अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और आप अपनी स्टडीज के साथ बिजी होंगे। बहुत टाइम से मुझे बहुत सारे बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि सर हमें पढ़ाइए, ट्यूशन कब ओपन होंगे, हमें बहुत सारे चैप्टर्स हमने क्लियर किए हैं लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स हमने अभी क्लियर नहीं है। उन चैप्टर्स को सर क्लियर कीजिए और हमें क्लासेस दीजिए। मैंने ऐसे बच्चे भी बहुत सारे देखे जिन्होंने मुझे बोला कि सर हम आपके घर आ सकते हैं, हम हमें मैथ्स की ये चैप्टर वो हमें क्लियर करके दीजिए। फिर मैंने सोचा कि अगर दो चार बच्चे हमारे घर आएंगे ना, उससे बाकियों का फायदा तो नहीं होने वाला। अगर 10 भी आएंगे फिर भी बहुत सारे बच्चे इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब मैंने सोचा क्या कि मैं आपको वापस YouTube पे ही स्टार्ट कराऊंगा, मैं YouTube पे ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, YouTube पे नए से आपको पढ़ाऊंगा। जितने लेक्चर्स मेरे YouTube पे अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने वो चैप्टर्स क्लियर किए हैं और बहुत सारे बच्चे उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, मतलब उनको नहीं पढ़ा है। मैं आज आपको अपनी बात बताता हूँ। जहाँ हम पढ़ाते थे ना, सब बच्चों को पता है कि हमने अपने ट्यूशन में मैथ्स की बात कर रहा हूँ, दैट्स ओनली फॉर मैथ्स। हाँ, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने वहां पे मैथ्स में टोटल मुझे लग रहा है 75% से ज्यादा मैंने सिलेबस वहां पे कंप्लीट किया है। आप जो हमारे ट्यूशन में पढ़ते थे उनको पता है क्योंकि मैंने वो मेन मेन चैप्टर्स पढ़े थे, बस दो चार रह गए थे जिनको हम कर रहे थे। फिर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया और मैंने उन चैप्टर्स में से कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ मैंने बोला कि ट्राइगोनोमेट्री अवेलेबल है आपके पास मेरी यूट्यूब चैनल पे, वो देखेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा, बहुत सारों ने पढ़ा, जिस जिसको डाउट था बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ गए और मैंने उनको सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ से एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जो बच्चे दूसरे ट्यूशन्स में जा रहे थे उन बच्चों ने शायद उतना कूप अप नहीं किया है। कुछ बच्चे मुझे मिल गए हैं जिन बच्चों में मैंने देखा कि इन्होंने खाली तीन चैप्टर्स पढ़े थे, दो चैप्टर्स, तीन चैप्टर्स, चार चैप्टर्स मैक्सिमम, चार चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और वो चार चैप्टर्स भी वो भूल गए हैं। उन बच्चों के फोन आ गए, उन बच्चों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, उनके पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया। यही वजह है कि मैंने सोचा कि अभी भी आपके पास टाइम है, अभी कुछ लेट नहीं हो गया, आप आज से स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करेंगे, लेट अभी नहीं हो गया। अब बस एक चीज दिमाग में रखो कि मुझे आज से स्टार्ट करना है और मुझे अपने, अगर मैं 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करूंगा, एटलीस्ट मुझे 80% तो सिलेबस मुझे कंप्लीट करना ही करना है, ये मुझे करना है। लेकिन 80% सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप खुद सोचो कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। आप टॉप कर सकते हो, मैंने कहता कि आप टॉप नहीं करेंगे, आप टॉप कर सकते हो, लेकिन टॉप करने के लिए फिर आपको कितनी हार्ड वर्क करनी है, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करनी है। आप हार्ड वर्क करेंगे और जिस बच्चे को 6 महीने हो गए ना पढ़ते पढ़ते, आप उस बच्चे को एग्जैक्टली, अगर आप दिल से पढ़ेंगे ना, आप उसको मतलब पार कर सकते हो, आप उससे आगे चल सकते हो, आप उसको मतलब पीछे छोड़ सकते हो। लेकिन करना क्या है, अब देखो अगस्त आ रहा है, आपने जुलाई एंडिंग में ही स्टार्ट करना है, मतलब आप स्टार्ट करो, आप पढ़ना स्टार्ट करो और हार्ड वर्क करो। एटलीस्ट मेरे हिसाब से आप 6-7
7 घंटे काफी होता है, 7 आवर्स। 7 घंटे पढ़ना शुरू करो और आप देखेंगे, खुद देखेंगे, 1 महीने के बाद देखो, आफ्टर 1 मंथ आप खुद देखेंगे कि आपकी लेवल कहाँ से कहाँ आएगी। जब आप 1 महीने 7 आवर्स पढ़ेंगे, अब खुद देखेंगे आपकी मतलब जो प्रिपरेशन है ना, ये कितनी बूस्ट होगी, आप खुद कितने बूस्ट होंगे वो आप देखिए। लेकिन पढ़ने से पहले हर किसी स्टूडेंट के पास एक ही परेशानी होती है, हर कोई स्टूडेंट यही कहता है कि सर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज है कि हमने मैथ्स में 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, हम आगे कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि मैथ्स का डर, आपको पता है, मैथ्स का डर हर किसी को होता है। इसी डर को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ पहले बात की जाए। बात करने के बाद आपसे पूछा जाए, कल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला था कि आप मुझे बोलेंगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए भी है जिन्होंने पढ़ा है, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसके लिए भी है। खासकर मैं उसी बच्चे पे फोकस कर रहा हूँ जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उसको बूस्ट कैसे देंगे, वो कैसे वापस अपने ट्रैक पे आएगा, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ताकि सब बच्चों को फायदा मिले। और आप एक काम करेंगे, आप प्लीज एंड प्लीज इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे और इसको फिर शेयर करेंगे। जो भी बच्चा है ना, जो भी 10th का हो, 11th का, 12th का, इस चैनल को प्लीज एंड प्लीज उस तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, मैक्सिमम शेयर करेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो आज से ही स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब पे मीन्स आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको मैं कह रहा हूं कि इन 2 महीने अगर आप मेरे साथ रह गए तो फिर मैं आपके 7 चैप्टर्स क्लियर करके दूंगा, 7। और ये 7 मैक्सिमम नहीं है, मैं कह रहा हूं एटलीस्ट कम से कम 7, मैं कोशिश करूंगा 7 से ज्यादा 8, 9, 10 तक हो जाए, लेकिन 7 मैं गारंटी यहां से दे रहा हूं कि श्योर मैं हूं कि 7 चैप्टर्स मैं आपको खत्म करके दूंगा। और वो जो 7 चैप्टर्स है ना, वो 7 चैप्टर्स एरे गेरे चैप्टर्स नहीं होंगे, मतलब ऐसे ही वैसे चैप्टर्स नहीं होंगे, वो 7 चैप्टर्स जो होंगे ना, मतलब आपके हार्ड कोर चैप्टर्स होंगे, मतलब मेन चैप्टर्स होंगे, मेन चैप्टर्स। हाँ, आपके मेन चैप्टर्स 7 मैं क्लियर करके दूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से आप पढ़ेंगे, और जिसको जो भी डाउट होगा ज्यूरिंग क्लास, मतलब जब आप क्लास देखेंगे, वो सीधे मुझे टेक्स्ट करेगा या मुझे व्हाट्सएप करेगा, ठीक, या फोन भी आप कर सकते हो, मैं उसका डाउट उसी दिन क्लियर करूंगा। ये नहीं, या कमेंट आप करेंगे, कमेंट्स में देख लूंगा आपका डाउट, वहां पे क्लियर करूंगा। अगर फोन पे नहीं हो सका, चलो सपोज करके किसी बच्चे को डाउट होगा और वो फोन पे क्लियर नहीं होगा, तो फिर मैं जब नेक्स्ट डे आऊंगा लेक्चर दूंगा ना, पहले मैं उसी डाउट को क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। मतलब आप पढ़ेंगे, डाउट होगा लिखेंगे, आप मुझे फोन करेंगे या आप टेक्स्ट वेक्स्ट करेंगे, नंबर सबके पास मेरा है, आप करेंगे और आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखेंगे, अब लेट नहीं करना है, अब लेट नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लेट ऑलरेडी हो गया है, अब इससे ज्यादा लेट नहीं करना है, लेट नहीं करना है, मीन्स आज स्टार्ट करना है, इट्स टुडे, मैं आपको पूरी कंफर्मेशन दूंगा कि 7 चैप्टर्स आपको इजीली फिर आएंगे। जब भी आप मतलब स्टार्ट करेंगे ना, 7 चैप्टर्स आपको मैथ्स में इजीली आएंगे, 7 चैप्टर्स। और अगर किसी ने 2-3 चैप्टर्स ट्यूशन में भी पढ़े हैं ना, वो आ गया 10 चैप्टर्स। और अगर आपके 10 चैप्टर्स हो गए ना, मार्क्स 75% से अबोव होंगे।
में 75% से तो आपके मार्क्स होंगे। और अगर आपने मैथ्स में 75% से अबो आए ना, तो फिर कंफर्म है कि आपके मार्क्स एटलीस्ट मिनिमम, मैं कह रहा हूं 430 से ज्यादा होंगे, 430 से ज्यादा। और 430 से ज्यादा, जो जितनी हार्ड वर्क करेगा ये मार्क्स उतने ही गेन हो जाएंगे। मतलब ये यहां पे भी पहुंच सकते हैं, ये यहां पे भी पहुंच सकते हैं, ये वाले मार्क्स यहां पे भी पहुंच सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल कि आप किस तरह स्टार्ट करेंगे। अब कैसे इनको लेंगे, इसी के लिए अभी हर कोई बच्चा सोच रहा है कि अब लेट हो गया। लेट बिल्कुल भी नहीं हो गया, आराम से आप स्टार्ट करेंगे। आप रोज 6-7 आवर्स पढ़ेंगे, मॉर्निंग में आप लर्न करेंगे, मतलब जिसको हम कहते हैं याद करेंगे आप मॉर्निंग में बाकी सब्जेक्ट्स को। मॉर्निंग के बाद इवनिंग आएगा, इवनिंग में आप मैथ्स के लेक्चर्स देखेंगे, कॉपी अपनी बंद करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली मीन्स पहले क्या करना है, यू हैव टू सी द वीडियो, वीडियो आपने देखना है, फिर आपने जो मैं एक्सरसाइज करूंगा उस एक्सरसाइज को खुद प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। और आप कंटिन्यूअसली जहां पे भी डाउट होगा मुझे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे डाउट, और आपके डाउट्स क्लियर होंगे जहां पे भी डाउट। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसका मतलब देखो, अब एक चीज है सर, कोई कह रहा है सर ये चैप्टर उठाओ, वो चैप्टर उठाओ, ये चैप्टर करो, वो चैप्टर करो। इसके लिए मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा चलो देखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे बोला सर आप क्यों ना ये चैप्टर स्टार्ट करें, हम क्यों ना वो चैप्टर स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला सर हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, मीन्स सबसे पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट कीजिए आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। किसी ने बोला सर ना ट्रायंगल स्टार्ट करो, किसी ने बोला कंस्ट्रक्शन, किसी ने बोला सर्कल्स, और किसी ने बोला सर ट्राइगोनोमेट्री, किसी ने बोला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जिसमें मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स आ गए ना वो आ गया ट्राइगोनोमेट्री, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ये अवेलेबल भी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में आपके 15 मार्क्स है, और इस चैप्टर में जहां पे भी डाउट होगा उसको मैं कंटिन्यूअसली मतलब सॉल्व करूंगा। देखो मैंने भी सोचा क्यों ना इसी ट्राइगोनोमेट्री को पहले स्टार्ट किया जाए, मतलब कल से आपको ट्राइगोनोमेट्री के वीडियोस मिलेंगे। बेसिक से होगा, बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, और आपके 8 to 10 days मैं आपकी ट्राइगोनोमेट्री खत्म होगी, मतलब 8 to 10 वीडियोस में आपकी सारी ट्राइगोनोमेट्री खत्म, मतलब आप 8 to 10 days में 15 मार्क्स इजीली हासिल कर पाएंगे। अब जो बच्चे बाकी कह रहे थे ट्राइंगल सर्कल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उनको मैंने फिलहाल रोक दिया। ट्राइगोनोमेट्री के बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है ट्राइंगल्स, मैं आऊंगा ट्राइंगल्स पे। ट्राइंगल्स के बाद मैं आऊंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, मतलब इसके बाद मैं आऊंगा सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ये वाले सारे चैप्टर अगस्त में मैं क्लियर करके दूंगा, अगस्त में ये सारे चैप्टर्स क्लियर। सिर्फ आप प्रिपेयर रहेंगे, आप कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, वो तो है, लेकिन उससे ज्यादा शेयर करेंगे। जो भी आपका फ्रेंड होगा, कुछ भी होगा, जो भी 10th का स्टूडेंट होगा, 11th का होगा, 12th का होगा, उस तक ये लिंक पहुंचाएंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कमेंट्स में मुझे लिखेंगे सर यही चैप्टर ठीक रहेगा या कोई और। 1-2 दिन आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा, संडे के दिन आपको पहला चैप्टर मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा आपको पहला चैप्टर, और वो भी आपको मिलेगा ऑन संडे। संडे आपको मिलेगा पहला चैप्टर, ठीक। बाकी डरने की बात नहीं है, मैथ्स में खुद क्लियर कर दूंगा। अब बस इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और सबको बोलेंगे कि सर ने आप स्टार्ट कर दिया, और मैंने बोला
मैं स्टार्ट कर रहा हूं। संडे मॉर्निंग में आपको या सैटरडे इवनिंग में आपको पहला क्लास मिलेगा, मीन्स फर्स्ट क्लास आपको मिलेगा, क्लास मिलेगा। लेकिन प्लीज एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे, इसको शेयर करेंगे, फिर जो भी आपके मतलब कोई क्वेरी आपकी होगी उसके लिए आप कमेंट करेंगे। बस मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप प्लीज एंड प्लीज इस चैनल को आगे, ताकि सब बच्चे इसका फायदा उठाए, चाहे हमारे ट्यूशन के हो या किसी और ट्यूशन के, मतलब सारे अपने ही होते हैं, कोई किसी ट्यूशन में भी पढ़े लेकिन लास्ट में अपने ही होते हैं। जिसको फायदा मिलेगा, हमारे लिए प्रायोरिटी यही है कि आपको फायदा मिलना चाहिए। बाकी संडे के दिन या आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, आपको कंटिन्यूअसली हर डे आपको या अल्टरनेट डेज पे आपको वीडियोस मिलेंगे, आप उन आराम से उनको देख सकते हो। और मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे आप बोलो यही चैप्टर स्टार्ट करो या कोई और, डाउट्स वहीं पे क्लियर होंगे। बाकी उसी दिन मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।